नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी महापर्व शारदीय नवरात्र की महानवमी व विजय दशमी की बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त प्रदेशवासियों को महापर्व शारदीय नवरात्र की पावन महानवमी एवं विजयदशमी की बधाई देते हुए कहा कि शारदीय नवरात्र नारी गरिमा की प्रतिष्ठा का पर्व है। जिस समाज में नारी की पूजा होती है तथा सम्मान दिया जाता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। आज शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के पूजन के साथ कन्या पूजन का अनुष्ठान हो रहा है। वह सौभाग्यशाली है कि गोरक्षपीठ की पवित्र परंपरा के अनुसार उन्हें भी कन्या पूजन का अनुष्ठान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कड़वे अनुभव के बाद मायावती का ऐलान, अब किसी से गठबंधन नहीं करेगा बसपा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा के इनेलो के साथ हुए गठबंधन को मिली असफलता के कड़वे अनुभव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि आने वाले चुनाव में बसपा किसी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बसपा का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाने, किंतु उनका वोट बसपा को ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलने से पार्टी कैडर को निराशा व उससे होने वाले मूवमेंट की हानि को बचाना जरूरी है। वहीं शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें श्री बांके बिहारी के चरणों की वंदना करेंगी। इसके लिए ठाकुर जी भी जगमोहन में विराजमान हो बांसुरी वादन करेंगे। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए हजारों भक्तों की वृंदावन में मौजूदगी रहेगी। इसकी तैयारियां मंदिर प्रबंधन ने अभी से शुरू कर दी है। वही साल में एक ही दिन मुरली बजाते श्री बांके बिहारी की इस झांकी का साक्षी बनने को देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं ने वृंदावन में डेरा डालना शुरू कर दिया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर योजना से हर जगह रोशनी फैलाने के लिए प्रशासनिक अमल तैयार है। मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने इस योजना का लाभ घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए हैं। मंडल आयुक्त ने कहा है कि अपने घरों की छतों पर सोलर रूफ टॉप सिस्टम लगवाकर न केवल अपने बिजली के बिलों में भारी कमी का लाभ ले सकते हैं, बल्कि एक हरित और ऊर्जा कुशल प्रदेश के निर्माण में भी योगदान दे सकते हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए यूपी नेडा को स्टेट नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। इधर जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बार फिर लखनऊ में सियासी पारा चढ़ा हुआ। अखिलेश यादव जेपी सेंटर में श्रद्धांजलि के लिए अड़े हुए थे। सरकार उनसे कैंपस में जाने पर रोक लगाते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव घर से बाहर निकले। उनसे पहले कार्यकर्ता जेपी की प्रतिमा लेकर यहां पहुंचे और अखिलेश ने भी सड़क पर ही माला अर्पण कर दिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।